प्याज एक बार फिर दिल्ली वालों के आंसू निकाल रहा है। चंद दिनों के भीतर ही कीमतें कमोबेश दोगुनी हो गई हैं। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। कुछ दिन राहत की उम्मीद कम है। बीते 15 दिनों में होलसेल में प्याज की कीमतें 2 गुना तक बढ़ गई हैं। 15 रुपए प्रति किलो वाला प्याज अब होलसेल में 25 से 35 रुपए तक पहुंच गया है। रिटेल में प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब इसकी कीमतों में और भी इजाफा होना तय है। रिटेल में प्याज की कीमतें अब 50 से 60 रुपए होना तय है। महाराष्ट्र और साउथ में भारी बरसात लेट तक चली है, तो जो साउथ में इस वक्त और महाराष्ट्र के वो इलाके जिनमें साउथ में प्याज पैदा होती है, उस पे भारी बरसात के कारण उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जी। वो तेजी का कारण बना है और जो प्याज का बाजार है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 25 रुपए से लेके और 35 रुपए तक हो गया है। 35 रुपए बढ़िया जो अच्छी पॉर्ट कॉलोनीज में बिकता है और 25 जो रीसेटलमेंट वगैरह या जो आदमी अपना छोटा प्याज भी ले लेता है तो वहाँ 25 से 35 का रेट है। रेट में सिर्फ फर्क इस बात का है छोटे और मोटे प्याज का, प्याज वही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में भारी बारिश के चलते दिल्ली में प्याज के दामों में तेजी से उछाल आया। गनीमत यह है कि कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक होने की वजह से आलू की कीमतें नहीं बढ़ी। आलू में रेट नहीं बढ़े, आलू का हाल बहुत बुरा है क्योंकि आलू स्टोरों में जाता है और स्टोर में सेफ रहता है। इस कारण आलू की नई फसल में भी 1.5 महीना 2 महीने है। आलू का रेट जो है वो कम है, 6 रुपए 7 रुपए से लेके और 14-15 रुपए तक है। अच्छी बात यह है कि 2 हफ्ते बाद प्याज की कीमतें कम होने लगेंगी, लेकिन तब तक तो थाली का जायका बिगड़ना तय है।